विदेश में घूमने तो हर कोई जाना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है वीजा मिलने में, जो कि आसानी से नहीं मिलता। अक्सर वीजा के चक्कर में ही लोगों को न जाने कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, कितने फोन कॉल्स और मैसेजेस का जवाब देना पड़ता है, और अगर ये आपको मिल भी गया तो वो भी कुछ टाइम पीरियड के लिए ही मिलता है, जिससे फॉरेन में सेटल होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कई ऐसे देश है जहाँ सिटीजनशिप बेची जाती है, जहाँ रहने और जाने के लिए बस आपको कुछ पैसों में वहाँ का वीजा छोड़िए नागरिकता ही दे दी जाती है, जिससे आप उस देश में जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। चलिए आज आपको दुनिया के ऐसे ही 10 देशों के बारे में बताते हैं जहाँ सिटीजनशिप पैसों में बेची जाती है। नंबर 10, टर्की। तो सबसे पहले बात करते हैं उस देश की जो लोगों को एक से बढ़कर एक फायदे दिखाकर अपने देश की सिटीजनशिप खरीदने का मौका देता है। हम बात कर रहे हैं टर्की की, जहाँ की सिटीजनशिप पाने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी, बल्कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी आप यहाँ के नागरिक बन सकते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग तरह से किया जा सकता है, जिसमें रियल एस्टेट, बैंक डिपॉजिट, परचेजिंग नेशनल सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, शेयर्स और ओपन अ बिजनेस जैसे तमाम ऑप्शंस आते हैं। बस शर्त यह है कि आपको कम से कम $5,00,000 तो इस देश में इन्वेस्ट करने होंगे, साथ ही आपके पास $4,00,000 की अचल संपत्ति भी होनी चाहिए। इन रिक्वायरमेंट्स के पूरा होते ही आपको यहाँ सिटीजनशिप आसानी से मिल सकती है। वैसे इस देश में सिटीजनशिप को गोल्डन वीजा के नाम से भी बुलाते हैं। नंबर 9, नॉर्थ मैसेडोनिया। खूबसूरत वादियों में बसा यूरोप का नॉर्थ मैसेडोनिया देश भी अपनी नागरिकता को बड़े ही आराम से आपको देता है। यहाँ भी पैसों के बल पर आप इस देश के वासी बन सकते हैं। बस इनके नियम के अकॉर्डिंग आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी और आपको एप्लीकेशन अप्रूव होने का इंतजार करना होगा। वैसे नॉर्थ मैसेडोनिया की सिटीजनशिप परचेज करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है, जिसमें पहला ये है कि कम से कम एप्लीकेंट को €2,00,000 का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड के लिए इस्तेमाल करना होगा, या फिर कम से कम €4,00,000 किसी लोकल बिजनेस और फैसिलिटीज में इस्तेमाल करने होंगे, जिससे एटलीस्ट 10 लोकल जॉब्स वहाँ के लोगों के लिए क्रिएट हो सके। ये करने के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो उससे आपको अप्रोक्सीमेटली 125 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री करने का मौका मिल सकता है। नंबर 8, मोंटेनीग्रो। केवल 6,00,000 के आसपास वाले बाल्कन कंट्री मोंटेनीग्रो ने भी अपने देश की नागरिकता को सेल के लिए छोड़ रखा है। अब जो लोग नेचर के पास हमेशा रहना पसंद करते हैं, उन्हें ये डील बेशक पसंद आएगी, क्योंकि कुछ पैसे इन्वेस्ट कर मोंटेनीग्रो जैसे पहाड़ों में बसे देश में रहना कौन नहीं चाहेगा। अब यहाँ की सिटीजनशिप पाने के लिए आप दो तरीके आजमा सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से तरीके के साथ कंफर्टेबल है। इसमें या तो एप्लीकेंट को इस देश की कैपिटल पोर्टोरिका के किसी प्रोजेक्ट में करीब €4,50,000 इन्वेस्ट करने होंगे, या कंट्री के किसी और एरिया में €2,50,000 इन्वेस्ट करने होंगे। इसके अलावा दूसरे ऑप्शन में आप देश के डेवलपमेंट या इनोवेशन फंड्स के लिए कम से कम €2,00,000 डोनेट कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन में आपको देश की नागरिकता मिलना तय है। नंबर 7, माल्टा। माल्टा एक आइलैंड कंट्री और यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। वैसे तो इस देश की नागरिकता भी फॉर सेल की कैटेगरी में आती है, पर एप्लीकेशंस में धांधलेबाजी के बाद माल्टा की सिटीजनशिप प्रोसेस काफी स्ट्रिक्ट हो गई है। इवन यूरोपियन यूनियन ने तो इनके इस गोल्डन वीजा के नाम से जाने जाने वाले सिटीजनशिप प्रोसेस को बैन करने की भी बात की है। खैर, अब अगर आप यहाँ रहने के सपने देखते हैं तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो एप्लीकेंट को €7,00,000 की रेजिडेंशियल रियल एस्टेट खरीदनी होगी, साथ ही एडिशनल 6 से 8,00,000 यूरो तक का कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा, €10,000 यहाँ के एनजीओ को डोनेट करने होंगे, और लास्ट में सालाना €16,000 देकर यहाँ लगातार कम से कम 2 साल रहना होगा। नंबर 6, जॉर्डन। बात करते हैं अब जॉर्डन की, जो कि इजराइल की सीमा से जुड़ा हुआ एक सेमी एरिड देश है। इस देश की सिटीजनशिप को इन्वेस्टमेंट के थ्रू हासिल करने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं, जिसमें सबसे पहले और सबसे सस्ते रास्ते के अकॉर्डिंग आपको करीब $7,50,000 इन्वेस्ट करने होंगे, वो भी देश की कैपिटल अमन के बाहर, जिसमें कम से कम 10 लोकल जॉब्स क्रिएट हो सके। और अगर आप देश की कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एप्लीकेंट को कम से कम $1,000,000 तक का बजट बना के चलना होगा, जो डेफिनेटली बहुत महंगा पड़ेगा।
इसके अलावा आप $1 million बैंक ऑफ जॉर्डन में एटलीस्ट 3 साल तक के लिए जमा करा सकते हैं, या 1 million तक के इस देश के बॉन्ड्स और होल्डिंग्स को करीब 6 साल के लिए खरीद सकते हैं। बाकी लास्ट ऑप्शन है कि इस देश की एक कंपनी के करीब $1.5 million तक के शेयर्स खरीदने से भी आपको यहाँ की नागरिकता मिल सकती है। नंबर 5, सेंट लूशिया। एक आइलैंड और खूबसूरत देश होने के नाते सेंट लूशिया की सिटीजनशिप कंपैरेटिवली सस्ती है, तो अगर आप नेचर लवर है तो शायद ही आप इस हॉट डील को मिस करेंगे। ईस्टर्न कैरेबियन सी का देश सेंट लूसिया वैसे तो 4 तरह से सिटीजनशिप ऑफर करता है, जिसमें लीस्ट एक्सपेंसिव यहाँ के इकोनॉमिक फंड में $1,00,000 इन्वेस्ट करना है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को यहाँ कम से कम $3,00,000 तक की प्रॉपर्टी खरीदनी होगी, जिसे वो कम से कम 5 साल तक तो नहीं बेच सकते। इसके अलावा $3.5 million किसी अप्रूव्ड एंटरप्राइज प्रोजेक्ट में या $5,00,000 किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से भी आपको इस ब्यूटीफुल नेशन में आराम से रहने का हक मिल सकता है, और आप यहाँ के बीचेस और माउंटेन्स का लुत्फ उठा सकते हैं। नंबर 4, सेंट किट्स एंड नेविस। सेंट किट्स एंड नेविस एक ऐसा देश है जहाँ का मेस्मराइजिंग एनवायरनमेंट आपको यहाँ रहने का आदी बना देगा। दूर दूर तक बीचेस और रंग बिरंगे घरों के बीच परमानेंटली रहने का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। आपको बस करना यह है कि इस देश की नागरिकता को लेना है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो कैसे, तो बता दे कि इस देश में इन्वेस्टमेंट के जरिए सिटीजनशिप हासिल करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि एप्लीकेंट को करीब $1,50,000 सस्टेनेबल ग्रोथ फंड में डोनेट करने होंगे, जिसे 2018 में कई सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया। इसमें हेल्थ केयर, एजुकेशन, अल्टरनेटिव एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, रेजिलियंस और प्रमोशन ऑफ इंडिजीनियस एंटरप्रेन्योरशिप जैसे सेक्टर्स आते हैं। अब दूसरे ऑप्शंस के अनुसार $2,00,000 तक किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने होंगे, तब जाके आपको यहाँ रहने का अधिकार मिल जाता है। नंबर 3, ग्रेनाडा। हमारे इस देश की सिटीजनशिप के दाम भी बाकियों के अकॉर्डिंग काफी कम है। हम बात कर रहे हैं वेस्ट इंडीज कंट्री ग्रेनाडा की, जो सभी आइलैंड जैसे देशों की तरह से नेचर के नजदीक और सुंदरता से भरा है। बात यहाँ की सिटीजनशिप की करें तो इसे इन्वेस्टमेंट के जरिए पाने के 2 तरीके हैं, जिसमें पहले के अनुसार एप्लीकेंट को करीब $1,50,000 नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन फंड में इन्वेस्ट करने होंगे, जो कि यहाँ के कई प्रोजेक्ट्स में फाइनेंस करता है, जिसमें टूरिज्म, एग्रीकल्चर और अल्टरनेटिव एनर्जी आते हैं। बाकी सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग एप्लीकेंट को करीब $2,20,000 तक की प्रॉपर्टी इस देश में खरीदनी होती है। इसे वो कम से कम 4 साल तक नहीं बेच सकता। इन दोनों में से किसी भी एक स्टेप को फॉलो करने से किसी को भी इस देश में परमानेंटली रहने की आजादी मिल जाती है। नंबर 2, डोमिनिका। डोमिनिका एक ऐसा देश है जहाँ एडवेंचर लवर्स के एक्सप्लोर करने के लिए हजारों चीजें हैं। पानी और हरियाली से भरा ये देश हर किसी को अपने देश में इन्वेस्टमेंट के थ्रू सिटीजनशिप ऑफर करता है, जिसमें एप्लीकेंट को कुल मिलाकर करीब $1,00,000 तक इन्वेस्ट करना होता है। वैसे इस कैरेबियन आइलैंड देश में इन्वेस्ट करने के कुल 2 तरीके हैं, जिसमें पहले के अनुसार आपको यहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड में $1,00,000 इन्वेस्ट करने होंगे, और दूसरे के अनुसार यहाँ रहने के लिए लगभग $2,00,000 एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने होंगे, जो कि एक अप्रूव्ड डेवलपमेंट होना भी जरूरी है। बस इतना करते ही आपको यहाँ अनलिमिटेड नेचुरल ट्रेजर्स के पूरे मजे लेने का अधिकार मिल जाएगा। वैसे भी शायद इस देश की सिटीजनशिप बाकी देशों के अकॉर्डिंग तो बहुत सस्ती है। नंबर 1, एंटीगुआ एंड बरबुडा। फाइनली बात करते हैं उस देश की जहाँ की पॉपुलेशन केवल और केवल 98,000 के आसपास है। ये एक कैरिबियन देश है, जिस वजह से यहाँ की पॉपुलेशन काफी कम है। वैसे एंटीगुआ एंड बरबुडा में इन्वेस्ट करने के 4 तरीके हैं, जिससे आप यहाँ की नागरिकता को हासिल कर सकते हैं। इन सभी में सबसे पहले आता है करीब $1,00,000 तक का डोनेशन, जो कोई भी एप्लीकेंट देश के नेशनल डेवलपमेंट फंड में कर सकता है। बाकी इसके अल्टरनेटिव ऑप्शन में आप यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट इंडीज में भी करीब $1,50,000 तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेंट ऑफिशियली अप्रूव्ड रियल एस्टेट में करीब $4,00,000 तक इन्वेस्ट कर सकता है, जिसमें $30,000 प्रोसेसिंग फी भी आती है। और सिटीजनशिप प्रोग्राम के लास्ट ऑप्शन के अनुसार एप्लीकेंट $1.5 million का बिजनेस इन्वेस्ट कर भी इस देश का नागरिक बन सकता है। तो ये थे दुनिया के वो 10 देश जो पैसों के बल पर अपने देश की नागरिकता को बेचते हैं। अब एक तरह से देखा जाए तो इसके जितने नुकसान है उतने ही फायदे भी। बाकी ये आप पर है, आपके लिए क्या जरूरी है।
वैसे अगर आपको इनमें से किसी देश की नागरिकता हासिल करने का मौका मिले तो आप किस देश की सैर पर जाना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।